खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर के गनसिंहपुर के वार्ड एक में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के चलते वहां के जो वासिंदे हैं वो काफ़ी परेशान नजर आते हैं। तो वहीं पार्षद साहब वार्ड में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था तो करवाओ ऐसा कहते हुए हर वहां का नागरिक जो है दुहाई दे रहा है नगर पालिका को। तो वहीं दिन रात नरकीय जीवन जीने को मजबूर है ये फरियाद कस्बे के वार्ड एक के निवासी अपने पार्षद से हर रोज करते हैं, किंतु 3 वर्ष का कार्यकाल गुजर जाने के बाद भी इस वार्ड में गंदे पानी की निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वैसे तो यहां हर रोज ही घरों से निकला गंदा पानी आफत के रूप में सड़कों पर पसरा रहता है, किंतु बारिश होने के बाद ये आफत और भी विकराल समस्या का रूप ले लेती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड एक में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे का क्षेत्र होने के कारण इस वार्ड के गंदे पानी की निकासी के लिए कोई मार्ग नहीं है। घरों का गंदा पानी शरारत लिए घरों के इर्द गिर्द ही फैला रहता है, जिससे यहां के लोगों का जीवन नारकीय बना हुआ है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस समस्या से निजात पाने के लिए इन घरों के बीचों बीच गड्ढा खोदकर पानी इकट्ठा किया जाता है और उसे पंप द्वारा निकालकर अन्यत्र फेंका जाता है, किंतु नगर पालिका में छुट्टियां आ जाने पर यह गड्ढा पानी से लबालब होकर उफने लगता है और पानी सड़कों पर पसर जाता है। इस समस्या से लोग परेशान हैं। विपक्षी पार्षद होने का खामियाजा जो है वार्ड के पार्षद हैप्पी हुंदल ने बताया कि इस वार्ड को विपक्षी पार्षद देने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वे विपक्ष के पार्षद हैं, इसलिए इस वार्ड की समस्याओं का निदान नहीं करवाया जा रहा। वे समस्या के लिए 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई बार ईओ या उच्च अधिकारियों को बता चुके हैं, किंतु समस्या का कोई समाधान। वही जानकारी की माने तो बताया जा रहा है कि नगर पालिका प्रशासन को 10 दिन में समस्या का हल करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर निर्धारित समय पर समस्या हल नहीं की गई तो वे धरना या भूख हड़ताल पर शुरू कर सकते हैं वार्ड एक के जो वासी। आपने देखा होगा वार्ड नंबर एक में थाने वाली गली में पानी कितना बार आ चुका है। परसों 24 तारीख को मीटिंग थी, उसके अंदर ईओ साहब ने कहा कि आपके वार्ड के अंदर किसी ने टेंडर नहीं भरा, ये कोई समस्या का हल नहीं है और हमारा ये वार्ड नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। आप अपनी आंखों से देख सकते हो वार्ड का क्या हाल है। आज तीसरा दिन है, शुक्रवार को मीटिंग थी, शनिवार को नहीं उन्होंने पानी निकाला, आज संडे हो गया और कल सोमवार को ये सुबह आएंगे पानी निकालेंगे, तब तक ये पानी सड़कों पर भी आ जाएगा। और अगर इन्होंने 10 दिन के अंदर टेंडर ना निकाले या वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए तो उसके बाद वार्डवासियों मेरे द्वारा नगर पालिका प्रशासन के बाहर धरना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी।